आज इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, रात से सारी रात इतना खूब बादल गरज है और खूब बारिश हुई है, और अभी भी इस वक्त बारिश हो रही है। सुबह टाइम हुए हैं 5:45 एंड इट्स रेनिंग। बड़ा ही ज़बरदस्त हवा है, मौसम देखो दिन में कैसा होता है। मैं खिड़की खोल के खड़ी हूँ ना तो मेरे मुंह पे आ रही है बारिश, इट्स लवली। लेकिन नज़र नहीं आ रही ना इसमें बारिश में और कैमरे में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। मैं इस वक्त बारिश में खड़ी हूँ, आई एम हैविंग सो मच फन। इतना अच्छी बारिश आ रही है मतलब की खिड़की से, और सुबह हो रही है। बस मैं धोते के लिए सोंग पे बच्चों को मैंने स्कूल भेजना है, फिर उठ के आप लोगों से मुलाकात होती है। ये सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 7:30 और 7:45 के दरमियान। बहुत ही अच्छा मौसम था, ज़बरदस्त खूब बारिश हुई आज सारा दिन, और ये मॉर्निंग के टाइम का टाइम है। बहुत ही क्लियर सा माहौल था और बहुत मज़ा आया मुझे ड्राइव करने का भी। बारिश में रश तो हो जाता है लेकिन ये है कि वैसे ही एक अच्छी फीलिंग आती है इंसान को खुद से कि मौसम कितना अच्छा हो गया। तो आज सुबह मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त मौसम था। जब बारिश होती है तो हम जितनी दुआएं करते हैं उसको कबूल भी होती है, इस बात को ज़हन में रखें। तो चलते फिरते अल्लाह के जिक्र करते रहा करें, और नहीं तो कलमा पढ़ के दुआ करते रहा करें। अल्लाह में पता नहीं किस वक्त कौन सा वक्त कबूलियत होता है, हमारी दुआएँ सुन लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। सब ठीक ठाक है, वेल मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और यस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस नाउ आई एम ऑन ड्यूटी एज यूजुअल out to pick my kids, so yes in front of the school now, stuck in traffic. So kaisa hai mood aaj ka aur kaisa hai din aur kaisi hai zindagi, khush raha kare sab hamesha aur achhi achhi positive baatein kiya kare, which I always say and which I also try to apni vibe ko hamesha lively aur positive rakha kare taki dusre logon ko ka aapse baat karne ka dil kare. And that really matters. जितना आप लाइवली और हैप्पी फील करेंगे, शो करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जितना आप आवाज़दार और ख़राब मूड में रहेंगे उतना ही नोबडी वुड लाइक टू टॉक टू यू, बिकॉज अगर आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो लोगों का दिल करेगा आपकी बातें सुनने का। अगर आप स्माइल करेंगे तो लोगों का दिल करेगा आपसे बात करने का। लेकिन अगर आप आवाज़दार रहेंगे और आप हर वक्त वो मूड है चलें, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इंसान अच्छे मूड में रहे और इंसान अच्छी अच्छी बातें करे, इंसान हर वक्त दूसरों को एंटरटेन करे। लेकिन मैं जनरल एक बात कर रही हूँ कि अगर आपकी वाइब अच्छी होगी ना, इफ़ यू एमिट पॉजिटिव वाइब्स देन पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, एंड इफ यू आर ऑल द टाइम नेगेटिव एंड यू आर ऑल द टाइम सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ और अदर्स, तो उससे ये होगा कि एट एक पॉइंट आएगा जिसपे जो आपको कंसोल करने वाले या आपके साथ हमदर्दी करने वाले लोग आपको जब पूछते हैं बार बार कि आपको क्या हुआ है एंड वाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस, तो जब आप बार बार उनका दिल भी तोड़ेंगे अपनी नेगेटिव बातों से, तो फिर दे विल ऑल्सो स्टॉप आस्किंग यू कि आपको क्या हुआ है, और फिर आप अकेले रह जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश क्या करें कि अच्छी अच्छी बातें क्या करें, अच्छे अच्छे रिएक्शन दिया करें, और जो आपके लव्ड वंस हैं उनका ख्याल किया करें, क्योंकि केयर करने वाले और ख्याल करने वाले लोग बहुत कम होते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर हमारे साथ कोई ऐसा है जो हमारा ख्याल करता है, बी इट योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स और एनीबॉडी, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लोग हमारे करीब होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे अच्छे दोस्त, सभी हमारी केयर करते हैं, और हम अपनी ही करतूतों की वजह से जो है ना वो उनको अपने से दूर कर लेते हैं। सो इसलिए अच्छी अच्छी बातें सोचा करें, दिन को अच्छा गुजारें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द डे। अल्लाह में सबका दिन अच्छा अच्छा गुजारे। मैं भी बस अब निकली हूँ घर से एंड बच्चों को लेने के लिए। लेट्स सी व्हाट द डे होल्ड्स फॉर मी टुडे। आज मेरी इफ्तारी घर पे ही है, सो मेरे माइंड में चल रहा है अब कि मैंने क्या बनाना है, क्या पकाना है घर जाके। और ये है कि यस दिस हैपेंस टू मी एज वेल, समटाइम्स मेरा मूड भी खराब होता है and I feel like not talking to anybody, and लेकिन फिर भी I just gather myself up and do all the things which I have to do. I meet all the people, उनको भी जिनको I don't want to meet, जिनको I don't want to greet, जिनसे I don't want to talk.
फिर भी फॉर सम रीजन अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा मूड ठीक नहीं, दूसरे बंदे का तो कोई कसूर नहीं ना, इतना तो आप बादशाह ना बने. सो यस, लेट्स स्टार्ट द डे टू डे एंड लेट्स सी व्हाट द डे होल्ड्स फॉर अस. और मौसम आज बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे मौसम को एंजॉय करें, अच्छी अच्छी बातें करें और अच्छे तरीके से एंजॉय करें, क्योंकि अच्छा मौसम भी कभी कभी आता है और मौसम भी बदलता है, ज़िंदगी भी ऐसे ही बदलती है. हर दिन एक नया रंग, एक नई उमंग लेकर आता है और उस तरह ही गुजर जाता है और फिर अगला दिन आ जाता है. बस अल्लाह मियाँ हम सबको अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अच्छी अच्छी बातें करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के साथ अच्छा अच्छा हो ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, हम अच्छे अमाल लेकर जाएं अगले जहान, ताकि अल्लाह मियाँ हम सबकी बख्शिश कर दे इंशाल्लाह ताला. चले जब मैं पहुंच गई स्कूल के आगे और मैं बेटे को ले आऊं और फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लिप में आती हूँ. अच्छा, जब बारिश होती है तो हमारे मूड्स पे इसका बड़ा डिफरेंट सा इम्पैक्ट आता है. समटाइम्स वी फील हैप्पी, समटाइम्स वी फील सैड एंड समटाइम्स कोई भी फीलिंग नहीं होती. वाई इज़ इट सो? कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को बारिश कैसी लगती है और आप लोगों को बारिश में आपके मूड पर क्या असरात आते हैं बारिश में. मैं अगर तो आई नेवर फील सैड इन द बारिश, मुझे बारिश देख के हमेशा खुशी होती है और या फिर कोई फीलिंग नहीं आती अगर मैं इनडोर हूँ कहीं तो. सो आई ऑलवेज इन्जॉय अच्छा मौसम एंड अल्लाह की रहमत को देख के खुश होती हूँ. लेकिन जब मैं सोचती हूँ अक्सर कि कुछ लोग जैसा शायर हैं या बहुत ही फिलासफर जो हैं उनकी अगर आप देखें पढ़ें बातें, तो शायर अक्सर शायरी करते हैं बारिश के बारे में, तो उनको कोई याद आता है. तो आपको भी कभी कोई याद आता है बारिश में? ज़रूर आपने बताना है मुझे कमेंट्स में. आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, बड़ा मैंने इन्जॉय किया, ड्राइव भी बच्चों के साथ गपशप, और बस थोड़ी सी मैं स्लीपी थी बिकॉज आई डोंट स्लीप इन द नाइट. सहरी के बाद तो फिर वैसे नींद आ रही थी, लेकिन बाकी ओवरऑल इट वाज गुड. और देखिए कितना सुहाना मौसम है. जी ये हमारे बन रहे हैं पकौड़े और ये है चिप्स. ना मैं हल्का सा मसाला ऐसे लगा के फ्राई करती हूँ, मैं ना ये मैं फ्रीज कर रही हूँ. और स्ट्रॉबेरी स्टॉक दम जितनी अच्छी मिलती है मेरे हस्बैंड ब्रिंग्स देम और फिर हम उनको फ्रीज कर रहे हैं आजकल. ये मछली से हमारा आज का अफ्तारी स्प्रेड, पकौड़े, चिप्स और ये चिकन टेम्पुरा और दही बड़े में लेके आ रही हूँ. माशाल्लाह ये है मेरे चिकन टेम्पुरा. अच्छा जी, मैं अफ्तारी करके फिर से सो गई थी. बस आज का दिन तो ऐसा ही गुजरा है. अब मैं सोच रही हूँ कि आज अभी फ़िलहाल तो मैंने कुछ काम करना है थोड़ा सा किचन का. सालन में आ रही हूँ फर्दर सहरी और कुछ अफ्तारी के लिए समोसे वगैरह बनानी है. तो बड़ी अफ्तारी मेरे घर पसंद है दोबारा, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि अब मैं आप लोग बच्चे खेल रहे हैं, बस मैं सो गई थी. मैंने उसकी नमाज पढ़ी थी इसलिए मैं उठी थी और साथ में, वरना मैं सोई रहती. आज बहुत मूड आई है मुझे. तो साथ में मैं जो कपड़े सीकर आए थे उनकी वीडियो भी आप लोगों को दिखा दूँ. मुझे कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है कि आपकी कपड़ों की डिज़ाइनिंग दिखा दें. कुछ जो मुझे कपड़े ना वाइट शर्ट थे सब लोग आप लोग कह रहे हैं, वो वाइट शर्ट जो है ना येलो फ्लावर वाली भी टेबल पर गई है अभी, उसका मैं पता करती हूँ सुबह. और बाकी जो ये वाले कपड़े हैं मेरे पास चार पाँच सूट, उनकी मैं आपको दिखाती हूँ. चार पांच सूट की आज डाल देती हूँ, चार पांच सूट कल परसों डाल दूँगी. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें. आज का व्लॉग, आज का दिन तो ऐसा ही गुजरा है, बहुत हैपनिंग नहीं था लेकिन बिजी था. कुछ कपड़े माशाल्लाह सिल के आ चुके हैं. चलो जी अब इनकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसा स्टिच कराया है. सो यस, तो सबसे पहले बात करते हैं इस सूट की. दिस इज़ फ्रॉम बारोक एंड इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था, तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और देखते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया. सो येस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. अच्छा जी, उन्होंने इसको प्लेन सिलवाया हुआ था लेकिन मैंने इसके ऊपर ये मरून लगवाई है, पाइपिंग सी ये मतलब लेस लगवाई है, जो कि एक इंग्रेजी लेस वॉट एवर जो भी इसको कहते हैं, उसके साथ मैंने इसके अंदर मरून पाइपिंग लगाई है. ठीक है, पाइपिंग जो थी वो मैंने दर्जी से कहा था सेम मैच कलर की लगानी है, लेकिन उसने मैरून लगा दी है जो कि मैंने भी नोटिस किया है. सो यस, इसके अंदर इसके साथ ये वाले बटन्स लगाए हैं.
ठीक है। और ये इसका आ गया जी घेरा, ये इसका घेरा है। घेरे पे भी उसने पाइपिंग ये लेस लगा के, तो पाइपिंग लगा के और फिर उसकी तिरपाई की है। बहुत ही नीट लुक दे रहा है। इसके जो चाक हैं, स्लिट्स जो हैं, उनके ऊपर भी ये ऐसे ही फिनिशिंग दी है, जिसकी वजह से इसकी एक नीट सी लुक आ गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर मरून कलर तो कहीं भी नहीं है, तो मैंने इसको मरून फिनिशिंग क्यों कराई। तो मैंने इसको मरून फिनिशिंग इसलिए कराई कि इसका जो दुपट्टा है ना, ये इस तरह का बना हुआ है। इसके अंदर दुपट्टे के ऊपर उन्होंने ये कढ़ाई की हुई थी चारों तरफ, और इसके एक तरफ का बॉर्डर जो है ना, वो मैंने एप्लिक कराया है। जो इसके अंदर फ्लावर्स है ना, उनके अंदर उन्होंने मरून कलर यूज़ किया हुआ, जिसकी वजह से दुपट्टे में मरून कलर काफ़ी नुमाया हो रहा था। तो फिर मैंने शर्ट को मरून फिनिशिंग इसलिए कराई ताकि इसकी आपस में अमैलगमेशन हो जाए। ठीक हो गया। इसके साथ का जूता भी मेरे पास है पहले, और इसी कलर का हैंडबैग भी है स्काई ब्लू कलर का, सो मैं उसके साथ वो यूज़ कर सकती हूँ। और इसकी जो शलवार है वो इस तरह से लाइंस वाला प्रिंट है, और इसके जो पांचे हैं उनके ऊपर भी ये वाला जो बॉर्डर था ना, ये साथ दिया हुआ था, इसको अप्लाई कराया है। सो ये हो गया जी एक सूट। बाकी इसके पहने हुए की वीडियो मैं अपने शॉर्ट्स पर भी डाल चुकी हूँ, जो फर्स्ट इफ्तारी का व्लॉग है उसमें मैंने पहली इफ्तारी पर यह सूट पहना था, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी इसके बारे में काफ़ी मौजूद है इन्फॉर्मेशन। दूसरा सूट आ गया जी, ये पिंक, बहुत ही प्यारा सा प्रिटी पिंक कलर है। इसके ऊपर भी मैंने ये वाली लेस लगवाई थी क्रोशिया टाइप की, और इसको भी इस तरह मैंने पाइपिंग लगवा कर फिनिश करवाया है। और इसके जो घेरा और चाक हैं, और घेरा और जो इसके स्लिट्स हैं, उनके ऊपर भी ये सेम कलर की पाइपिंग लगा कर तो इसकी फिनिशिंग की है। ठीक है, ये प्लेन सूट है। इसके ऊपर यहाँ पर शायद को मैं बटन्स वगैरह लगा लूँ, तो बाकी ये इसके शलवार है इसके साथ मैंने बनवाई, क्योंकि मैंने घर में पहनना है, तो इसलिए ज़्यादा मोस्टली मैं शलवारें ही पहनती हूँ, कि मुझे जो है ना वो ट्राउज़र्स पैंट पहन के मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। उसके मैंने ये 4-5 इंच के पैंचे बनवाए हैं, और इसके साथ मैंने ये नेट का दुपट्टा डाई कराया है प्लेन, और दुपट्टे के साइडों पर वही वाली लेस लगवाई है। सो ये हो गया दूसरा सूट। अच्छा जी, आ गया मेरा सना सफीनास का मसलिन का सूट। ठीक है, इसके साथ ये मैंने लेस ली है अलग से, ये वाली ऑरेंज, ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी बारीक, लेकिन ये फिर मैंने पैनल्स में लगवा ली है, और ये मैंने घेरे पे लगाई है। और मैं शर्ट खोल के भी आपको दिखाती हूँ कि इसकी मैंने क्या चीज़ बनाई है। ठीक है, और ये इसकी शलवार है, शलवार के पैंचे मैंने चौड़े रखवाए हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए। और ये इसका दुपट्टा है, जिस दुपट्टे के भी साइडों पे मैंने ये वाली लेस लगवाई है। अब शर्ट को खुल के देखते हैं कि शर्ट खुल के पूरी सिल के कैसी लग रही है। अच्छा, मैंने कपड़े आप लोगों के साथ ही खोलकर अभी देख रही हूँ। इसके पैनल्स में मैंने ये लेस लगाई है, ठीक है, और इसकी जो है ना ये घेरे पे ये बॉर्डर ऊपर पैच करवाया है, बढ़ा के नहीं लगाया, कपड़े के ऊपर ही लगाया है। ठीक है, इसके साथ ये लेस लगाई। इसकी जो स्लिट्स है ना, इनके ऊपर ही मैंने टेलर से कहा था कि ये वाली लेस लगा दें, लेकिन आपको पता है कि इनको आदत होती है ये कुछ करने की। और इसके गले पे भी मैंने इसको कहा था कि ये वाली लेस लगानी है, लेकिन वो नहीं लगाई है। तो अब मैं सुबह उसको देकर आऊँगी, क्योंकि लेस मैंने ख़रीदी थी, और ये गले पर भी लेस लगवानी है इसके, और इसके चाकों पर भी उसने नहीं लगाई। सिया बहुत नीट है पाइपिंग लगा के, लेकिन लेस नहीं लगाई है। तो मैं इसको देकर आऊँगी कि इसको लेस लगाए, तभी इसकी मुकम्मल लुक आनी थी, वरना ये तो बिल्कुल ही खाली सा लग रहा है देखें ऐसे। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया सूट। ये वाला जो है ये खाड़ी का है, दिस इज़ फ्रॉम कैम्ब्रिक, लेकिन ये थोड़ा मोटा नहीं था, पतला सा ही है। ये मैंने बिल्कुल सीजन एंड पे लिया था, तो सिलवाया अब है। और ये भी पिंक कलर है, और इसके साथ भी मैंने इसी तरह ये पाइपिंग और साथ में लेस लगवाई है क्रोशिए वाली, बहुत नीट लग रही है। ये धागा निकला पड़ा है, अभी इसको काटती हूँ। अच्छा जी, तो इसकी ये स्लिप्स पे लेस है, और घेरे पे भी है, और ये बाजों पे बॉर्डर है, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये सिंपल सूट है, ये घर में पहने जाने, साथ में इफ्तारी वगैरह पे, जब घर पे कोई इफ्तारी होती है और फैंसी सूट्स की ज़रूरत होती है, नए कपड़ों की ज़रूरत होती है। सो जी, ये इसके दुपट्टे पे मैंने लेस लगवाई है सेम। सो यस, ये हो गया 1, 2, 3, 4 सूट मैंने आप लोगों को भी इस वीडियो में दिखाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद बाकी के भी कपड़े लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कपड़े तो मेरे काफ़ी सारे सिल कर आए हैं, लेकिन फिर वो ये है कि आप लोग बोर हो जाएंगे और इतनी लंबी वीडियो बनानी भी मुश्किल हो जाती है। सो यस, ये थे सारे मेरे आज के 5-4-5 ड्रेसेस। अब चले मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मियाँ मेरे नसीब करें हंसी खुशी पहनना, और मैं और भी सिलवाऊँ, और आप लोगों के साथ इस तरह ही अपनी खुशी शेयर करती रहूँ। चलो जी, अब जो है वो आज का व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह विद द न्यू डे एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। हर आने वाला दिन हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस लेकर आता है, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है,
अपना एनालिसिस भी हम कर लेते हैं रोज़ का रोज़, और हमें दूसरे इर्द के जो हमारे मौजूद लोग हैं उनके बारे में पता चल जाता है हमें, और दुनिया के बारे में बड़ा कुछ पता चलता है। हर दिन एक नया दिन, नया नई उमंग और सब कुछ नया लेकर आता है। सो यस, लेट्स सी कि व्हाट टुमारो होल्ड्स फॉर अस। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कमेंट ज़रूर किया करें कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। थोड़े से मोनोटोनस हो रहे हैं आजकल क्योंकि रमज़ान है और फिर वही रूटीन है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग सम न्यू एंड डिफरेंट कॉन्टेंट एज वेल। सो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।